बिना पत्नी के यज्ञ पूरा नहीं हो सकता, तब सोने की सीता की प्रतिमा बनाई गई, यज्ञशाला में बैठा ला गया। ये आदर्श है हमारे राम जी का। नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर मोह तम निश जो जागा, लोभ पास यही गर न बधाया, सोनर तुम समान रघुराया। आज भगवान कृष्ण ने शिक्षा दी है, पुरुषों को भी शिक्षा है, वो भी सदाचारी हो, संयमी हो, धर्मावलंबी हो, मांस मदिरा का सेवन कतई नहीं करें, घर में देवी भजन पूजन का वातावरण बनाए तो पति भी आदर्श गृहस्थ हो, सद गृहस्थ हो। ये शिक्षा भागवत की है। शाकाहारी सदाचारी वैष्णव जन भगवत भजन करते हुए गृहस्थ संत के रूप में, गृहस्थ संत है, गृहस्थ संत बड़ा प्यारा है भगवान को। भगवान गृहस्थ संतों के घर आए, दशरथ गृहस्थ संत हैं, वसुदेव जी गृहस्थ संत हैं, इनके पुत्र बने भगवान गृहस्थ संत, उसका बड़ा सम्मान भगवान करते हैं। जनक जी गृहस्थ संत हैं, हमारे यहाँ बहुत से महात्मा गृहस्थ संत, अत्रि गृहस्थ संत, वशिष्ठ गृहस्थ संत, गौतम गृहस्थ संत, अगस्त गृहस्थ संत, अगस्त जी की पत्नी का नाम लोपामुद्रा, तो ये सब गृहस्थ संत। भगवान ने शिक्षा दी, लौट जाओ गोपी गाओ, लेकिन लौटी ना। इतनी अच्छी शिक्षा भगवान ने दी और कहा लौट जाओ, लेकिन लौटी नहीं, मुख अपने नीचे कर लिए, चरणों से धरती को खोदने लगी और अश्रु धारा बहाने लगी। कृत्वा मुखान्वय सुचा स्वसनेन शुष्यदो बिंबाधरानि चरणेन भुवं लिखन्त्याह। अस्त्रैमुपात्तमसिभि कुच कुंकुमानि तस्थौ व्रजन्त मुरु दुःख भराश्म तूष्णीं। कृत्वा मुखान्वय शुचः, अपने मुख नीचे कर लिए और इतनी गर्म सांसें निश्वास छोड़ने लगी, बिंबाधराणि शुष्यद, बिंबा फल के सदृश इनके लाल लाल जो होंठ थे वो सूख गए। स्वसनेन शुष्यद, सांस लेने से होंठ सूख गए, गर्म आह निकल रही है। स्वसनेन शुष्यद बिंबाधराणि चरणेन भुवं लिखन्त्याह। चार चरण नख से धरती में कुछ लिख रही हैं। जब दुख की स्थिति होती है तो लोग नाखून से धरती में कुछ लिखने लगते। चार चरण नख लेखई धरनी, धरती में कुछ लिखने लगे। सुष्नेन शुष्यद बिंबाधराणि चरणेन भूं लिखन्त्या। और सभी गोपिकाएं रोने लगी, अस्त्रैमुपात्तमसिभि, इतनी रोई कि इनके नेत्रों के काजल काली लकीर कपोलों पर बनाते हुए, जैसे लकड़ी पर बढ़ई धागे से निशान बना देता है, धागे पर निशान, ऐसे ही वो निशान काले काले बन गए इनके कपोलों पर। अस्त्रैमुपात्तमसिभि कुच कुंकुमानि, इतने आंसू गिरे वक्षस्थल भीग गया, कुछ कुंकुमानि
तस्थौ मृजन्ति मुरुदुःख भराश्म तूष्णीम। और रोते हुए गोविंद से बोली, मैवं विभोरति भवान् गदितुन्द्र संसम। शन्त्यज्य सर्व विषयान् तब पाद मूलम्। भक्ता भजस्व दुरवग्रह मात जाश्मान। देवो यथा पुरुषो भजसे मोक्षो। मैवम विभो अर्हति भवान गदितुम नृशंसम। हे भगवान, आप घर लौट जाने के लिए हमसे न कहें, ऐसा मत बोलो। यदि आप ऐसा कहते हो तो हम समझ रहे हैं आप बड़े नृशंस हो, बड़े निर्मोही हो, निष्ठुर हो, निर्दयी हो। नृशंसम संत्यज्य सर्व विषयान्। हम सभी विषयों को छोड़ चुकी हैं। पांच प्रकार के विषय हैं, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, इनको हम छोड़ चुकी हैं। तब पाद मूलम, तुम्हारे चरणों की रज पाने आई हैं। कितना सुंदर भाव है गोपिकाओं को, प्रणाम करता हूं गोपिकाओं को मैं। वो कहती हैं, हम संसार के विषय छोड़ करके आपकी शरण में आ गए। ये संसार के विषय गोविंद में ढूंढने नहीं आई हैं। ये कहती हैं, वो सब छोड़ आई हैं। संत्यज्य सर्व विषयान्, देगे की आसक्ति बंधनों को छोड़कर हम आपकी शरण में आए हैं। सर्व धर्मान परित्यज्य, सभी लोक धर्मों का त्याग कर आपकी शरण में आए हैं। संत्यज्य सर्व विषयान् तब पाद मूलम्। तुम्हारे चरणों की शरण में आई हैं, चरणों के मूल में आई हैं। चरण रज चाहती हैं, हम तो भक्ता हैं, आप भगवान हैं। भक्ता भजस्व दुर्वग्रह मात जाश्मान। हम भक्ता हैं, आप भगवान, हमारा त्याग मत करो भगवान। माँ आसमान आसमान माँ त्यज, हमारा त्याग मत करो माँ तेजाश्मान। इस प्रकार हमारा त्याग करना उचित नहीं है आपको। माँ तेजाश्मान देवो, आप देवता हैं। आदि पुरुषो, आप आदि पुरुष हैं। भजसे मुमुक्षुन, हम मुमुक्षु हैं, मोक्षार्थिनी हैं और तुम्हारा भजन करती है। चित्तम सुखेन भवता अपहितं गृहेषु। हम अपना सुखपूर्वक घर का कार्य कर रहे थे, आपने मुरली बजाई और मुरली के माध्यम से हमारे नाम लिए, हमें बुलाया, हमारे घर के कार्य को छुड़ा दिया। मेरा मन तो अब हरण हो गया है, आपने हमारे मन को चुरा लिया है। कृष्ण गृहीत मानसा, मेरो मन श्यामा श्याम हरियोरी। मृदु मुस्काए गाए मुरली में, चेतक चतुर करोरी। मेरो मन श्यामा श्याम हरियोरी। या छविते मन ने कना निकषत। मैं ऐसा समझ रही हूं आप देवताओं की प्रार्थना पर इस लोक में आए हो देव कार्य करने के लिए। ब्रज जनार्दी हन, ब्रज जनों की पीड़ा का भी आपने हरण किया है, लेकिन हमारी तो प्रार्थना यही है। तन्नो निधे कर पंकज मार्त बंधो, तन्नो निधेयी कर पंकज आर्द्र बंधो। तप्त स्तनेषु च शिरसि च भवतु किंकरीणाम्। अपना ये जो कर कमल है ये कहाँ धारण करें? तप्त स्तनेषु च शिरसि च, अपने कर का अभय दान हमें प्रदान करें भगवान।
देवो यथादि पुरुषो, आप आदि पुरुष हैं भगवान। आप लौट जाने के लिए कहते हैं, कैसा घर कैसे घर वाले, हम आज सभी को भूल गई, औरों की चिंता क्या है जब हम खुद अपने को भूल गई। सर्वव्यापक के नाते से हमने तुमको अपनाया है, तुम में पतियों को पाया है, पतियों में तुमको पाया है। आप जगतपति हैं गुरु, हमारा त्याग मत करो। रोने लगी गोपिका, इत विक्लवितम ताशाम श्रुत्वा योगेश्वरेश्वरः प्रहस्य सदयं गोपीं आत्मा रामोऽप्यरी रमत। गोपिकाओं की ऐसी विकलता भगवान ने सुनी। श्रुत्वा योगेश्वरेश्वरः, भगवान योगेश्वरेश्वर हैं, योगियों के भी ईश्वर हैं और उनके भी ईश्वर हैं। इनका शरीर छिद जल पाव गगन समीर से नहीं बना, जन्म कर्म च में दिव्यम यो वेति माम तत्त्वतः, ये दिव्य हैं। योग चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त वृत्तियों का जो निरोध करे, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति का निरोध करे वो योगी है, खटचक्र भेदन करे वो योगी है, अष्टांग योग करे वो योगी है। ये योगियों के भी ईश्वर हैं और उनके भी मां ईश्वर हैं, योगेश्वरेश्वर हैं भगवान कृष्ण। योगेश्वरेश्वर ये भगवान की उपाधि व्यास जी ने लिखी है। इति विक्लवितम तासाम श्रुत्वा योगेश्वरेश्वरः प्रहस्य, हसे भगवान सदैव और गोपी रूपी जीव पर दया की। आत्मा रामोपि ये आत्मा राम है, पूर्ण काम है, किसी दूसरे की कामना नहीं है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमिदं उच्यते, ये पूर्ण है, दूसरे की आवश्यकता नहीं है। आप पूरे माण मचल प्रतिष्ठम समुद्र मापा परुषम तद्वत, न काम कामी कोई कामना नहीं, सकल कामनाओं से संपूर्ण भगवान पूर्ण है। फिर भी अपने ही अंश भूता गोपिकाओं के साथ हरी रमत रासलीला के लिए तैयार हो गए, आश्वासन दे दिया। एक ओम बहुश्याम गोविंद एक है, गोपिकाएं 16108 हैं, तो गोविंद ने भी अपने 16108 स्वरूप बनाए। एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण, परीक्षा बले बन गया और दिव्य रास प्रारंभ हो गया। जैसे मेघ मंडली में बिजली चमके, ऐसे श्यामल है कन्हैया 16108 श्री विग्रह और गौरांग है गोपिकाएं, तो श्याम और गौर ऐसा अद्भुत छटा जैसे मेघ मंडली में बिजलियां कौंद रही हो, ऐसा दृश्य उपस्थित हो गया। बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरुल निविस्तनाल भल नर्म नखाग्र पातई श्वेलावलोक हसितई ब्रज सुंदरी लाल उत्थन भयं गतिपतिं रमयाशकारो। बाहु प्रसार हाथों में हाथ बन गए, परिरंभ गोला बन गया 84 कोष के ब्रज में। बाहु प्रसार परिरंभ कराल गोरु नीवी स्तनाल भनन नखाग्र पातई, नखाग्र पात से नीवी के बंधनों को भगवान ने खोल दिया। नीवी स्तनाल भनन रम नखाग्र पातई, नीवी अविद्या की ग्रंथि है, तामिश्र की ग्रंथि है, जिसे स्वयं भगवान ही खोल सकते हैं। जीव गोपी और ब्रह्म कृष्ण और ये नीवी अविद्या की गांठ है जिसे गोविंद खोल रहे हैं। सुखदेव जी ऐसा कह रहे हैं, परमहंस महाराज महाराज कहते हैं, नीवी खोलत ही सुनी अरुण शिखा धुनिका, जिसे नीवी खुली तो अरुण शिखा बोल गया, भोर हो गया, जीवनी प्रभात हो गया, जग उजियारा हो गया, चहुदिस भयो प्रभात। वो नीवी है, अविद्या की ग्रंथि है, जड़ चेतना ही ग्रंथ परी गई, जड़ चेतना ही ग्रंथ परी गई, यद्यपि मृखा
छूटत कठिनई। सूरदास जी कहते हैं, सूरदास स्वामी करुणा में यही बांधी सोई छोरे, जिसने बांधी ये गांठ वही खोल रहे हैं। जन्म जन्मांतर के अज्ञान की ग्रंथि आज न खाकर पाप से गोविंद ने खोली है। नीवी स्तनाल भल नरम न खा कृपा तई छवलोक हसी तई, हसी करे ठिठोली करे गोपी गांव से। ब्रज सुंदरी लाल, सुंदरी है ब्रज की गोपिकाएं, और कामदेव को ललकारते हुए उत्तम भयम रथिपति, रथिपति कामदेव और बल लगाओ, उत्तम भयम रथिपति कामदेव को उकसाते हुए ललकारते हुए उत्साहित करते हुए रमयांश्चकार, रमण करने लगे भगवान गोविंद इससे अपनी ही आत्माओं से। रेमे रमेशो ब्रज सुंदरी भीर यथार भकस्व प्रतिबिंब चेष्टिता, आज रमापति भगवान ऐसे रमण कर रहे हैं जैसे बालक अपनी ही छाई से खेले। बालक अपनी छाया है गोपिकाएं भगवान की, गोपिकाएं भी नृत्य करने लगी और गाती हैं, आप भी गाइए। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, रासलीला कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। जीव का स्वभाव है थोड़ी सी उपलब्धि मिलते ही उसमें अभिमान आ जाता है, यदि जीव में अभिमान ना आवे तो पतन नहीं हो। आज गोपी जीव में अभिमान आ गया सुंदरता का, गोपिकाएं सोचने लगी हम सुंदर बहुत हैं इसलिए भगवान हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं। ताशां ततशौभगमदम वीक्षमाणं च केशव प्रशमाय प्रसादाय तत्रैव अन्तर्धीयत। आज गोपिकाओं में सुंदरता का मद आ गया, ताशाम सौभगमदम सुंदरता का मद आ गया। वीक्षमाणं च केशव, भगवान ने देखा तो गोपिकाओं पर कृपा करने के लिए, यदि अहंकार बना रहा तो मुझे प्राप्त नहीं कर सकेंगी। प्रशमाय उनके अहंकार का शमन करने के लिए तत्रैव अन्तर्धीयत, वही अंतर ध्यान हो गए भगवान। जब भगवान बांके बिहारी अंतर ध्यान हो गए तो गोपिकाएं अब भगवान को ढूंढने लगी और रोने लगी, विलाप करने लगी, वृक्षों से पूछने लगी। दृष्टो वा क्वचिदस्वत्थ प्लक्षने मृदनो मनः नंद सोनुर्गतो हृत्वा प्रेमहाशावलोकने। अरे पीपल के वृक्ष, क्या तुमने गोविंद को देखा है? अरे बट वृक्ष, साल ताल तमाल रसाल प्लक्ष उदुम्बर कुलशुभ चंदन देवदार, क्या तुमने कन्हैया को देखा है? क्वचित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। अरे कल्याणी तुलसी है गोविंद की चरण प्रिया, हरि प्रिया,
क्या तुमने मनमोहन श्याम सुंदर को देखा है, रामानुज को देखा है, अरे लताओ तुम्हें श्याम का पता बताओ। भगवान को खोजते खोजते आज बड़ी विकल गोपिकाएं यत्र तत्र सर्वत्र गोविंद को ढूंढ रही हैं और कह रही हैं, मेरे प्राणेश मनमोहन, आ मेरे प्राणेश मनमोहन, तुम्हें ढूंढे कहाँ जाकर। मेरे प्राणेश मनमोहन, तुम्हें ढूंढे कहाँ जाकर। मेरे प्राणेश मनमोहन, तुम्हें ढूंढे कहाँ। तुम्हें ढूंढे कहाँ जाकर। मेरे प्राणेश मनमोहन, तुम्हें ढूंढे कहाँ जाकर। बड़ी बेचैन है तुम बिन, बड़ी बेचैन है तुम बिन, जरा देखो मुझे आते ही झड़ी आंसू की लग जाती। तुम्हारी याद आते ही झड़ी आंसू की लग जाती। तुम्हारी याद आते ही झड़ी आंसू की लग जाती। तुम्हारी याद ये आता है कि मर जाऊं तुम्हें पाकर। तो मन में आता है कि मर जाऊं तुम्हें पाकर। प्राणेश मनमोहन, तुम्हें ढूंढे कहाँ। मिलता है हमें यूं ही रुलाने भला तुमको क्या मिलता है मुझे यूं ही रुलाने से। मेरे प्राणेश मनमोहन, मेरे
को खोजते खोजते आगे चली, जब भगवान नहीं मिले तो भगवान की लीला का अभिनय करने लगी। विरह में भगवान की लीला भक्ति बन जाती है, भगवान की लीला करने लगी। एक गोपी दौड़ी, एक गोपी को, मोटी गोपी को धरती पर ढुनका दिया, उसके वक्षस्थल पर बैठ गई, बोली हम पूतना का वध कर रहे। अब एक गोपी दौड़ी, उसने गोपी का पांव पकड़ के खींचा, बोले हम बकासुर की चोंच फाड़ रहे। एक गोपी ने अपना पीतांबर दुशाला उड़ाया और बोले हमने गोवर्धन तान दिया है, आओ इस पर्वत के नीचे आ जाओ। अब एक तिरछी चलने लगी, बोली कृष्ण हम पश्यत ललिता गतिमिति, मैं कृष्ण हूं मेरी ललित गति माने चाल को देखो। ऐसे ही कृष्ण लीला का नाट्य अभिनय करने लगी। अब ढूंढते ढूंढते जा रही तो देखा एक जगह कृष्ण का चरण है, एक जगह राधा का चरण है। श्री कृष्ण दक्षिण पदस्थ मधोरेखा स्वस्थ कोण कमलम फल भूषलम च, स्वास्थ्य कष्ट कोण कमल बजरंगुश मीन के सुंदर चिन्ह देखे का, ये चरण तो कृष्ण का है। दशा हुआ है लगता है उस कामिनी गोपी का भार वहन किया है उन्होंने। यहाँ यहाँ ये चरण तो राधा का चरण है, लगता है राधा के साथ अंतर ध्यान हुए हैं। भगवान जिस गोपी के साथ अंतर ध्यान हुए हैं, याम गोपी ममनेत कृष्णो बिहायान्या स्त्रियो बने, वो गोपी कौन है? अनाराधितो नूनम भगवान हरि हरीश्वरः, ये भगवान हरि हरीश्वर की, हरि हरीश्वर की आराधिका राधा है। राधा के साथ भगवान अंतर ध्यान हुए। एक जगह फूल बिखरे पड़े थे, बोले केशव प्रसादनम तत्र कामिन्या कामिना कृतम, यहाँ कृष्ण ने उस कामिनी, नाम नहीं लिखते है राधा हो, कामिनी शब्द लिख दिया, उस कामिनी का पुष्प श्रृंगार यहाँ किया है। कन्हैया ने राधा का पुष्प श्रृंगार किया तो कहती है यहाँ सजाया है। भगवान कृष्ण ने राधा को साथ लिया, आलादिनी है, आदिशक्ति है, और राधा के बिना कृष्ण का नाम भी पूरा नहीं होता। कृष्ण ने कृष्णेन आराध्यते या सा राधा, कृष्ण के द्वारा जिनकी आराधना की जाती है वो राधा है। दूसरा अर्थ आराधयति कृष्णम या सा राधा, कृष्ण की जो आराधना करती है वो राधा। राधा मूल प्रकृति आदिशक्ति, राधा राधा आत्मा है, आत्मा तो राधिका यश्य, तो राधा के साथ अंतर ध्यान हुए, पुष्प श्रृंगार किया। राम जी ने पुष्प श्रृंगार किया था सीता जी का, कहां पंचवट को चित्रकूट में। एक बार चुनी कुसुम सुहाई, एक बार चुनी कुसुम सुहाई, निज कर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीता ही पहिराए प्रभु सागर, बैठे फटक शिला पर सुंदर, बैठे फटक शिला पर सुंदर। राधा रानी का पुष्प श्रृंगार कन्हैया ने किया, राधा ने भी सजाया फूलों से, और फूलों से सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। सुनिए a uh-huh.
सज रहे और साथ सज रही है वृषभानी सज रही है वृषभानी की दुलारी।
याम गोपी ममनित कृष्णो बिहायान्य स्त्रियो बने साजमेने तदात्मानं वरिष्ठम सर्वयोषिताम। और गोविंद से अभिमान पूर्वक बोली, न पारे हम चली तुम ने मा मित्र ते बन तत्वगत्वा वनोदेशम दृप्ता केशवम अब्रवीत। न पारे हम चली तुम ने मा मित्र ते मन। कुछ अभिमान में भर करके राधा भगवान से बोली, हम थक गई हैं, हमसे चला नहीं जाता है, अब आप उसे जहां कहें हम चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम थक गई हैं। हम पा रहे चली तुम न पा रहे हैं, थक गई। भगवान बोले, राधा थोड़ी देर और चलो, वो कुंज लधिका जहां जमुना का स्पर्श कर रही वहां तक चलो। ये बैठ गई, बोली न पा रहे हम चली तुम, हमसे चला नहीं जाता। बैठ गई, वाहन की व्यवस्था करो। अर्धरात्रि में राधिके वाहन की कौन व्यवस्था करे, कुछ भी करो, अब हमसे चला नहीं जाता, वाहन लाइए या वाहन। भगवान बोले, हाँ आगे पूरा कर दो, वाहन बनिए, ठीक है। एवं मुक्त प्रिया माह स्कंध आरुहतामिति, राधा तुम्हारे कांधे पर बैठ जाओ। बोली, ये तो बड़ा अच्छा वाहन है महाराज, बैठा लीजिए। अब राधा कांधे पर बैठने के लिए तैयार हैं। कामदेव ने विचार किया, जैसे ही ये राधा को कांधे पर बैठा लेंगे, हम बाण मारकर विश्व विजयी हो जाएंगे। राधा ने कन्हैया का कांधा साधा, उछल के लगी बैठने। ततश्चंतर दधे कृष्ण सा बधूरंग तप्यता। भगवान अंतर ध्यान हो गए, राधा निराधार थी, आधार नहीं मिला तो रेती में गिर पड़ी, अन्न तप्यत, पीड़ित हो गई, दुखी हो गई। कामदेव ने धनुष बाण रख दिया और भगवान को प्रणाम किया। बोलो अच्युत भगवान की जय। अब राधा रो रही है, रेती में पड़े। आनाथ रमण प्रेष्ठ क्वाशी क्वाशी महाभुज, दास्यास्ते कृपणाया मे सखे दर्शय दर्शन। आनाथ, हे रमण, हे प्रेष्ठ प्रियतम, कहाँ गए? मैं तो आपकी दासी हूं, हमें दर्शन, हे सखा हमें दर्शन दो। अभी स्वामिनी बन रही थी, अब दासी बनने लगी। इतने में और गोपिकाएं आ गईं, गोपी गीत गाने लगी। 31वां अध्याय राजपंचाध्याय का, गोप्या उचु गोपिकाएं गोविंद के गीत गा रही हैं। कृष्ण प्रेम बढ़ाने वाला गोपी गीत आप श्रवण करें। जयति ते अधिकम जन्मना ब्रजः, जयति ते अधिकम जन्मना ब्रजः, जयति ते अधिकम जन्मना ब्रजः, जयति ते अधिकम जन्मना ब्रजः। श्रेत इंदिरा सस्वद प्रेयी, दृश्यतां दीक्षुतावकाता सब स्वां विचिन्वित, साधु जात सप शरत दासे, साधु जात सप सरस जोदर श्री मुषादृशा, सरस जोदर श्री मुषादृशा। सुरत नाथ पे अशुल्क दासिका, सुरत नाथ पे अशुल्क दासिका, वरद निघ्न को जलाप्याद व्याल राक्षसा, जलाप्याद व्याल राक्षसा,
वर्ष मारुतात वैद्युता नला प्रखमयात्मजात विश्वतो भयात ऋषभ के वयम् रक्षिता बहु ऋषभ के वयम् रक्षिता बहु ऋषभ के जयतितेधिकं जन्मना व्रजः नखल गोपिकानन्दनो भवान् अखिल देवानाम् अन्तरात्मकृतो विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सखव देवान् शात्पतां कुले सखव देवान् शात्पतां कुले जयति तेधिकं जन्मना व्रजः जयति तेधिकं जन्मना व्रजः गोपिकाएं कहती हैं ब्रजराज तुम्हारी जय हो, तुमने ब्रज में जन्म लेकर के ब्रज की महिमा को वैकुंठ से बढ़ा दिया है। वैकुंठ लोक में निवास करने वाली लक्ष्मी यहां तुम्हारे चरणों में लिपटी हुई है। हे गोविंद, हम तुम्हारी गोपिकाएं दशों दिशाएं में तुम्हें खोज रही हैं, आप दर्शन दीजिए। शरतकालीन कमल सा प्रफुल्ल मुखारविंद में दर्शन कराओ। हे सुरतनाथ, हम गोपिकाएं तुम्हारी बिना मोल की दासी हैं, सेवा का मूल्य नहीं चाहती। प्रेम के बदले में कोई वस्तु हमें चाहिए नहीं, हमारा प्रेम निष्काम है, केवल तुम्हारा प्रेम चाहिए और विश्व में कोई वस्तु हमें नहीं चाहिए। इस प्रकार से प्रेम पर निष्ठुर हो जाना क्या बद नहीं है? क्या शस्त्र से मारना ही बद है? हे गोविंद, इस प्रकार की निष्ठुरता भी बद है। निर्वरद निघ्नतो नेह किं बधा, हे वरद, हमारे प्रेम का बद मत करो। तुम्हें इतना निष्ठुर होना था तो विष जला प्रयाग हमें काली नांग के विषैले जल से क्यों बचाया? व्याल राक्षसात वैद्युतानलात, काली नांग से, देवराज इंद्र के कोप से, अनेकानेक संकटों से, बरकभासुर से, विश्व के भय से हमें तुमने क्यों बचा लिया? गोविंद, हमने जाना तुम यशोदा मैया के पुत्र नहीं हो। यशोदा मैया हमारी बड़ी भोली भाली हैं, तुम बड़े नटखट हो। तुम जान गई हम, तुम विश्व की आत्मा हो, देव कार्य के लिए आए हो। हे गोविंद, अपना कर सरोज हमारे सिर पर रखकर हमारी पीड़ा को दूर करो। हमारे हृदय बड़ा ही कठोर, आपके चरण बड़े कोमल हैं, लेकिन जब से फणि फणार्पितम काली नांग के फण पर आपने रखा तब से मैं ढांढस हो गया। वो चरण हमारे वक्षस्थल पर हृदय में विराजमान करो, हमारी पीड़ा को शांत करो। हे पद्मजार्चित भगवान, हे गोविंद, हमें दर्शन दो। इस वन में आप भ्रमण कर रहे हैं, हमें बड़ा कष्ट हो रहा है। वो तुम्हारी मधुर मधुर भाषा, वो मीठी बातें, एकांत में प्रेम भाषण, वो सब बार बार हमें तुम्हारा स्मरण कराता है। हे गोविंद, दर्शन दो, दर्शन दो। तुम्हारी कथा अमृत है, तब कथा अमृतम तप्त जीवनम कविरीडितम कलमशापहम श्रवण मंगलम श्रीमदातम भुवि ग्रणंत ते भूरिदा जना। तुम्हारी कथा अमृत है, त्रितापों का शमन करने वाली है, दिव्य है। भगवान, इस कथा का प्रसारण जो करते हैं हमारे बड़े ही अनुरागी श्री लक्ष्मीकांत जी, इंजीनियर त्रिपाठी जी, यही यशोदा नगर का पधार कर भागवत का पूजन किया, आशीर्वाद है। और महाराज, इस प्रकार से
आज गोपांगनाएं भगवान श्याम सुंदर का स्मरण करती हैं, गोपी गीत के माध्यम से गाती हैं। भगवान आविर्भूत सौरी ही भगवान राशेश्वर प्रकट हो गए राशमंडल में, बोलो राशेश्वर भगवान की। और गोपिकाओं ने भगवान से कहा आपको अंतर ध्यान हो गए थे। भगवान बोले गोपिकाओं न पा रहे हम निर्बद्ध संयोजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधायु शापिवाह या माम भजन दुर्जर्गे श्रृंखलाम संबंध तत्वाह प्रति आप साधुना। कहा देखो हम तुम्हारे ऋण से कभी ऋण नहीं हो सकते, इस देवताओं की आयु लेकर भी हम यहाँ पर रहें तब भी तुम्हारे ऋण से ऋण नहीं हो सकते हैं। जब ऐसा कहा तो आज गोपिकाएं जब प्रार्थना करती हैं तो गोपिकाओं की प्रार्थना पर भगवान ने फिर रास प्रारंभ किया। रासोत्सव संप्रवृत्तो गोपी मंडल मंडिता योगेश्वरेण कृष्णेन तासाम मध्ये द्वयोर्द्वयो। अपना रास प्रारंभ हो गया। 16,108 गोपी हैं, 16,108 भगवान कृष्ण हैं, एक गोपी एक कृष्ण एक गोपी एक कृष्ण अद्भुत शोभा हुई।